इस वीडियो लेक्चर में हम ध्रुवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण कंटिन्यूटी या सांतत्य समीकरण और बर्नौली समीकरण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या सांतत्य समीकरण। सांतत्य समीकरण एक गणितीय समीकरण है जो ये बताती है कि किसी असंपीड्य ध्रुव के लिए बंद पृष्ठ में दो अनुप्रस्थ काटों से प्रवाह की दर समान होती है। और इसको डिराइव करने के लिए हम इस डायग्राम को देखें, चित्र को देखें, तो इसमें एक द्रव को इस नली में से प्रवाहित होता हुआ दिखाया गया है। किसी असंपीड़ित द्रव के बंद पृष्ठ के अनुप्रस्थ काट से प्रवाह की दर हम इस कंटिन्यूटी इक्वेशन से ज्ञात करते हैं। माना एक नली में जिसका अनुप्रस्थ काट अलग अलग जगहों पर अलग अलग है तथा A1 क्रॉस सेक्शन पर द्रव का वेग V1 और A2 क्रॉस सेक्शन पर द्रव का वेग V2 है। T समय पर वेग V1 से नली में प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन ज्ञात करते हैं, तो आयतन V = area × distance traveled, सो V = A1V1T। इसी तरीके से माना कि द्रव का घनत्व जो है वो D है, तो द्रव का द्रव्यमान जो हो जाएगा वो m1 = A1V1T × T। इसी तरीके से A2 से नली से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान होगा m2 = A2V2T × D। क्योंकि नली जो है वो दोनों अनुप्रस्थ काट A1 और A2 के बीच में नली का आयतन निश्चित है तथा द्रव असंपीड्य, यानी इसको असंपीड्य इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि उसमें फोर्स लगा करके उसके डेंसिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो नली के अंदर प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान और नली से बाहर निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान सेम होगा, अर्थात जितना जो द्रव है एक सिरे से नली में प्रवेश करता है उतना ही दूसरे सिरे से बाहर निकल जाता है। इसलिए ए जो इक्वेशन नंबर 2 और 3 से A1V1T × D = A2V2T × D, इसको हल करने पर हम देखते हैं A1V1 = A2V2 = constant, अर्थात बंद पृष्ठ के अंदर प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा द्रव वेग V का गुणनफल एक निश्चित राशि होता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई नली का जिस जगह पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा वहाँ उस द्रव का वेग कम होगा, और जिस जगह नली का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है वहाँ द्रव का वेग ज़्यादा होगा। तो इसके कारण A × V का जो गुणनफल है वो एक निश्चित या कॉन्स्टेंट राशि प्राप्त होगा, और यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या सांतत्य समीकरण है। और सांतत्य समीकरण जो है इसका कई आगे एप्लीकेशंस में उपयोग करेंगे, तो इसी से जो दूसरी इक्वेशन है बर्नौली प्रमेय उसको हम ज्ञात करते हैं। बर्नौली प्रमेय जो है या बर्नौली थ्योरम है किसी आदर्श असंपीड्य तरल पदार्थ के लिए जो घर्षण बल आदि से मुक्त हो तथा असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाली नली में से प्रवाहित हो रहा हो, तो धारा रेखा के अनुदिश लिए गए दो तलों के मध्य तरल की कुल ऊर्जा में परिवर्तन उस पर किए गए कार्य के बराबर होता है जो कि तरल पदार्थ के दोनों तलों के मध्य दाबांतर के कारण उपस्थित होता है। इसी प्रमेय को बर्नौली प्रमेय कहते हैं, अर्थात अगर कोई नली है जिसमें से द्रव प्रवाहित हो रहा है तो उसके दो क्रॉस सेक्शनल एरिया के बीच में जो ऊर्जा में परिवर्तन होगा वो उस किए गए कार्य के बराबर होगा। कौन सा कार्य? जो दोनों दो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसमें प्रेशर डिफरेंस के कारण जो कार्य होता है वो ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। इसको ज्ञात करने के लिए हम जो नली लेते हैं वो डायग्राम में दिखाया गया है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो A1 है तो वेलोसिटी V1 है, और जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है वहाँ वेलोसिटी V2 है, यानी जो नली का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो सब जगह समान नहीं है। इसको कुछ हाइट पे लिया गया है, तो जो हाइट है x से वो y1 y2 ले लेते हैं। अब A1 पे जो द्रव्यमान है उसकी गतिज ऊर्जा होगी 1/2 mv1 का स्क्वायर और स्थितिज ऊर्जा mg y1, तो A1 पर कुल ऊर्जा होगी 1/2 mv1 का स्क्वायर प्लस mg y1। इसी तरह से जो दूसरा एरिया A2 उस पर कुल ऊर्जा हो जाएगी 1/2 mv2 का स्क्वायर प्लस mg y2। तो A1 से A2 पर जाने पर जो m द्रव्यमान की ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है वो डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। अब यदि
A1 पर दाब P1 और A2 पर दाब V2 हो। पुनः यदि A1 जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उस पर दाब है P1 और A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया पर दाब हो P2, तो द्रव का वह आयतन जो A1 से प्रवेश होकर अंदर पर जाता है और A2 से बाहर निकलता है वो आयतन हम ले लेते हैं V। तो दाबांतर के कारण द्रव पर किया गया कार्य P2 × V। अब बर्नौली की प्रमेय के अनुसार इस द्रव की ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है वो द्रव पर किए गए कार्य के बराबर होना चाहिए। इसलिए 1/2 mv2² + mg/2 − 1/2 mv1² + mg/1 = P1 − P2 V। इसको हल करने के लिए स्टेप्स हैं, जैसे हमने m1 वाले सारे कॉन्स्टेंट्स एक तरफ लिख लिए, पैरामीटर m2 वाले दूसरे लिखे हैं, और हल करने पर आएगा 1/2 v² + gy + pd = constant। यहाँ पे d जो है वो डेंसिटी है, लिक्विड की डेंसिटी। ये समीकरण जो है बर्नौली समीकरण कहलाती है, जो मैंने इसको शो किया है ब्रैकेट के अंदर। और यहाँ पे इसको और हल करने के लिए अगर हम इस इक्वेशन में 1/2 v² / g से भी भाग दे दें, क्योंकि g भी एक कांस्टेंट है, तो एक अनदर कांस्टेंट आ जाएगा। इसमें जो फर्स्ट टर्म आ रही है 1/2 v² / g, ये कहलाती है वेलोसिटी हेड। y जो है वो कहलाएगा ग्रेविटी हेड, और p/dg को कहते हैं प्रेशर हेड। अर्थात बर्नौली प्रमेय के अनुसार किसी तरल पदार्थ के धारा रेखीय प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर वेग, गुरुत्वीय और दाबीय शीर्षों के मानों का योग नियत रहता है। पुनः यदि द्रव जो है उसका प्रवाह क्षेत्र जो यानी उस जो है वो y1 y2 ये सब जगह सेम हो, y हो, तो 1/2 y²b² + p/dg = another constant। चूँकि गुरुत्वीय त्वरण g का मान भी एक स्थान पर नियत रहता है, इसलिए 1/2 dv² जो है ये इसको लिख सकते हैं गतिक दाब, और हम इसको हल कर सकते हैं। तो इस जो बर्नौली थ्योरम है इससे ये क्लियर होता है कि किसी स्थान पर प्रवाहित द्रव का वेग दाब पर निर्भर करता है। यदि द्रव को संकीर्ण नली से प्रवाहित करें तो संकीर्ण भाग में द्रव का वेग सर्वाधिक होता है। यही कारण है कि चौड़े पाइप से नैरो पाइप में जाने पर दाब कम हो जाता है। धन्यवाद।